हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपके ही यूट्यूब चैनल द सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, यहां पे हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिन लोगों के पास भी वो स्टॉक है, उन लोगों को कभी भी इस स्टॉक को बेचने की गलती नहीं करनी है। कभी भी आप लोगों को ये लगे कि ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, हम लोगों को इसको सेल कर देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ये स्टॉक रखेंगे, उतना ही ज़्यादा पैसा आपका बनेगा। आप लोग देख रहे हैं, ये अभी मार्केट में कुछ समय पहले ही आया है, वहां से इस स्टॉक ने 10 गुना अपने इन्वेस्टर को पैसा कर दिया है। जिसको भी इसका आईपीओ मिला होगा, उसका पैसा 10 गुना अब तक हो चुका होगा। जल्द ही जानेंगे कौन सा स्टॉक है, आगे क्या टारगेट होने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ जिनमें आप लोग इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जानते हैं कौन सा है वो स्टॉक। तो दोस्तों, आज के दिन आप लोग देखेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस लगभग 3300 के अराउंड ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 6 महीने की रिटर्न की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 65% के रिटर्न इस स्टॉक ने हम लोगों को मात्र 6 महीनों के अंदर डिलीवर कर दिए हैं। 2021 में इस स्टॉक ने 127% के रिटर्न हम लोगों को बना के दिखाए हैं। अगर हम लोग बात करें 1 साल की, तो 1 साल में 140% के रिटर्न हम लोगों को इस स्टॉक ने डिलीवर किया। मतलब कि जितना समय आप लोगों ने इस स्टॉक को दिया है, उतना ही बढ़िया रिटर्न इस स्टॉक ने आपको दिए हैं। 5 साल या फिर हम लोग बोल सकते हैं इस स्टॉक के मैक्स रिटर्न 2019 में मार्केट में लिस्ट हुई थी कंपनी, 320 रुपये का आईपीओ था, और आप लोग देख सकते हैं 3200 के आसपास इसका वैल्यू आज के दिन आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत से लोग समझ गए होंगे इसके आईपीओ का प्राइस बताने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसमें अप्लाई किया था और उसी दिन 100% लिस्टिंग गेन उन इन्वेस्टरों को मिला था। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, लगातार पैसा बना रहा है। बहुत से लोग जान चुके होंगे इसका कौन से स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पे IRCTC की। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बार मैंने इसके बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताया है। काफ़ी डिफरेंट तरीके से ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, और कोई भी कंपनी अगर इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट करती है, मतलब कि अलग अलग चीज़ों से, तो वो बहुत ही बेहतरीन कंपनी होती है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई पेंडेमिक आता है या फिर ऐसी कोई दिक्कत आती है किसी एक सेक्टर में, तब भी इसके जो अदर चीज़ों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो आना बंद नहीं होगा, और आप लोग एक ऐसे हाथ में पैसा डाल रहे होंगे जो कंपनी लगातार ग्रोथ दिखा सकती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग इसका कामकाज है, होटल एंड टूरिज्म सेक्टर में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है ये कंपनी। वहीं पे आप लोग देखेंगे रेल नीर जो वाटर सप्लाई करती है, उसके भी काफ़ी सारे प्लांट इंडिया में खोल चुकी है और लगातार सप्लाई इसकी बढ़ती जा रही है। आप लोग देखते हैं ट्रेन में कैटरिंग का काम भी इस स्टॉक ने चालू कर दिया है। अब आप लोग देखेंगे क्रूज शिप भी इस स्टॉक की, मतलब हम लोग बोल सकते हैं IRCTC की देखने को मिलती हैं। मतलब जितनी तेज़ी से ये स्टॉक आपको कंपनी ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है, शायद ही कोई कंपनी आपको इसके अलावा ऐसी तेज़ी से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही हो। डेप्थ की बात करें तो 0 करोड़ का डेप्थ आपको देखने को मिलेगा, कोई भी इस कंपनी के पास डेप्थ नहीं है। तो बहुत अच्छा एक पॉइंट ये भी आपको देखने को मिलता है कंपनी की। अगर हम लोग बात करें तो कोई भी कॉम्पिटिटर इस कंपनी का नहीं देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों, जो सबसे बढ़िया बात है, 100% मोनोपोली बिजनेस है इसका ऑनलाइन टिकट बुकिंग वाला, जिसके चलते लगातार बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन को सोच के। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 270 का पी पे आजकल ट्रेड हो रहा है ये वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यूएशन पे सोच के पैसा नहीं लगाते। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इस स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं 10, 15, 20 सालों के लिए, तो आप लोगों को कभी भी इस स्टॉक को लेने से चूकना नहीं है। जिस भी प्राइस पे मिले आप लोगों को डेफिनेटली बाइंग करनी है। अभी कुछ समय बाद ये स्टॉक 4000 का हो जाएगा, टारगेट अभी से आना स्टार्ट हो चुके हैं। 10-12 महीने में स्टॉक 5000 का हो जाएगा, तब आप लोग के लिए और महंगा लगेगा, आप लोगों को और महंगा लगेगा। इसलिए भले ही आप लोग एक एक करके स्टॉक लिए, लेकिन लेते रहें हर महीने, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में, ताकि आप लोग कभी ये मत पछताना पड़े आगे चल के, काश मैंने तब ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, काश मैंने तब ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए आप लोग SIP कर सकते हैं इस स्टॉक में, और लॉन्ग टर्म में सबको पता है कि ये स्टॉक पैसा बना के दिखाएगा जिस तरीके से इसने पिछले 2 साल में रिटर्न बनाए हैं। तो आगे आने वाले सालों में 100 गुना भी आपका पैसा कर सकता है, क्योंकि इसमें दम है। 2 साल में ही पैसा 10 गुना कर दिया है, आगे आने वाले टाइम में 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी करेगा। जो लोग इस स्टॉक को रखे रहेंगे, पेशेंस दिखाएंगे इस स्टॉक को लेने के बाद, उनका पैसा बनेगा ही, और वो करोड़पति भी बन सकते हैं मात्र
कुछ रुपए ही लगा के। तो आप लोग के पास भी अभी यह मौका है, आप लोग भी अच्छे खासे रिटर्न बना सकते हैं। अभी भी बहुत ग्रोथ बाकी है इस कंपनी में, 10-20 सालों में ये 3-4-5 लाख करोड़ की कंपनी बनती हुई दिखाई देगी। तब आप लोग ये चीज़ रियलाइज करेंगे कि बहुत छोटी कंपनी हुआ करती थी, मेरे आंखों के सामने इस स्टॉक ने पैसे बनाना स्टार्ट किया था, सब लोग रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन अगर नहीं किया तो केवल और केवल आपकी ही फॉल्ट रहेगी। इतना मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सारा का सारा पैसा जाके हर स्टॉक से निकाल के किसी स्टॉक में लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा आपके पोर्टफोलियो के लिए होता है, क्योंकि अगर आगे चल के किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम आती है तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टर के स्टॉक होने चाहिए ताकि वो सारा चीज़ें बैलेंस हो जाए, तभी आप लोग एक अच्छे इन्वेस्टर बनेंगे। तो इस वीडियो में मेरा बताने का बस यही मकसद था। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स के साथ जिनमें आप लोग इन्वेस्टमेंट करके बहुत बढ़िया वेल्थ बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।